दिग्विजय सिंह के साथ हुई पुलिस बर्बरता के विरोध में उमरिया जिले के गांधी चौराहे पर युवक कांग्रेस जिला अध्यक्ष विजेंद्र सिंह के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया। पूर्व विधायक अजय सिंह ने बताया कि भोपाल औद्योगिक क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आरएसएस को जमीन आवंटित की है। इसके विरोध में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा, शासन की जमीन को इस तरह बंदर बांट ना किया जाए। इस जमीन को औद्योगिक क्षेत्र के विकास लिए दिया होता, मजदूरों के लिए दिया होता तो बात समझ में आती। ऐसे क्षेत्र में जमीन आरएसएस को दी। इसके विरोध में जो प्रदर्शन किया गया, पुलिस के द्वारा पानी की बौछार की गई, उनके ऊपर एफआईआर की गई। इसलिए उमरिया जिले के युवा कांग्रेस के सदस्यों ने कानून मंत्री नरोत्तम मिश्रा का पुतला दहन किया और डीआईजी को बर्खास्त करने की मांग की। भोपाल में औद्योगिक क्षेत्र में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आरएसएस को जमीन आवंटित की है, इसके विरोध में माननीय दिग्विजय सिंह जी ने जो वहाँ प्रदर्शन किया, उन्होंने कहा कि शासन की जमीन को, जनता की जमीन को इस तरीके से बंदरवाट ना किया जाए। किसी योजना के लिए दिया होता, औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए दिया होता, मजदूरों के लिए दिया होता तो बात समझ में आती। ऐसे क्षेत्र में आरएसएस को जो जमीन दी गई, इसके विरोध में माननीय दिग्विजय सिंह जी ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया और पुलिस ने बर्बरतापूर्ण जिस तरीके से पानी का बौछार किया, इसके विरोध में और उनके ऊपर जो एफआईआर हुई, इसके विरोध में ये युवक कांग्रेस के द्वारा यहाँ पर प्रदर्शन किया गया। हम लोग इसकी पुलिस की कार्रवाई की घोर निंदा करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, शिवराज सिंह की सरकार की घोर निंदा करते हैं। और अगर सरकार इसी तरीके से शासकीय जमीनों को देती रही तो कांग्रेस उग्र से उग्र प्रदर्शन करेगी। अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या निर्णय लेती है। उमरिया से नीरज सिंह रघुवंशी की रिपोर्ट।